हैं, खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से आ रही है, मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और पिछले कई दिनों से ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे थे। डॉक्टर्स की कई मांगे हैं जिन मांगों के चलते वो हड़ताल पर हैं। स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी वो चाहते हैं। किसकी बढ़ोतरी की जाए? 55,000 से बढ़ाकर 68,200 किया जाए, 57,000 से बढ़ाकर 70,680 किया जाए, 59,000 से बढ़ाकर 73,160 कर दिया जाए और हर साल 6% की बढ़ोतरी हो। पीजी के बाद एक साल के ग्रामीण बॉन्ड को हटाया जाए, कोविड की ड्यूटी के बदले बॉन्ड हटे, कमेटी बने जिसमें JDA के प्रतिनिधि शामिल हों और कोविड ड्यूटी पर जूनियर डॉक्टर को सर्टिफिकेट मिले, सर्टिफिकेट से आगे सरकारी नौकरी में फायदा मिले, जूनियर डॉक्टर और परिवार का फ्री इलाज हो। फ्री इलाज की यहां पर बात कह रखे हैं कि पूरे परिवार का फ्री में इलाज किया जाए। MP के जूनियर डॉक्टर्स की मांगे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आगे एक और मांग है कि अस्पताल में अलग से बेड रिजर्व उनके लिए किया जाए और जूनियर डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए। और इस बीच भोपाल के हमीदिया कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार उनसे बात करने की बजाय दूसरे रास्तों पर काम कर रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स से बात की है संवाददाता राकेश चतुर्वेदी ने। इस समय मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हाईकोर्ट का अल्टीमेटम है और ये 24 घंटे का अल्टीमेटम आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर उनकी हड़ताल जारी है। और देखिए आज जूनियर डॉक्टर्स के हाथ में तख्तियाँ हैं और डॉक्टर से हमने लगातार चर्चा कर रहे हैं, चूँकि हाईकोर्ट का भी अल्टीमेटम है। अब क्या इनका रुख रहेगा डॉक्टर्स का? फिलहाल सरकार की ओर से बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का फिर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स का क्या एक्शन है, डॉक्टर्स क्या अब करने जा रहे हैं, हम ये डॉक्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं से बात करेंगे। अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि सरकार लगातार संवाद करने के लिए तैयार है। आपको लग रहा है संवाद हो रहा है? बिल्कुल, अगर चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमसे संवाद करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें मांगे हम पे सुनना चाहते हैं, उस पर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उस पर जो भी होगा हम उनसे बात करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद जो भी अगर पॉजिटिव सब उसका रिजल्ट निकलता है तो हम, कोई नहीं चाहता यहाँ पे कोई स्ट्राइक ऐसी चीज़ें। अभी कोई आपकी सूचना आई है कि संवाद हो रहा है? बिल्कुल, हमारी पे सूचना चल रही है, हमारे जो कोर कमेटी, हमारी पूरी सेंट्रल की टीम बैठी हुई है, उस पर विचार कर रही है और उनसे संवाद में लगी हुई है। अभी आपका क्या रुख है, क्योंकि जो अल्टीमेटम है वो 3 बजे तक का है? देखिए, अल्टीमेटम और वो सारी चीज़ें तो हमें बहुत पहले से डराया जा रहा है और हम हाईकोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम साइलेंटली बैठे हैं। ना कोई धरना पे है, ना कोई आंदोलन पे है, सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं। 4 लोग बैठ के अपनी बात रखें, ये कोई गलत नहीं है कहीं से। जूना की ओर से भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं आप? ऐसी विचारधारा विचार चल रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बातें चल रही हैं। आगे इस पे जैसे ही होगा आपको अपडेट जरूर। अभी क्या है आपका? हम यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं, अपने मांगे रखे हुए हैं, हमारी एक टीम लगी हुई है संवाद में। अगर ऐसा संवाद ऐसा होता है, कोई ऐसी खुशखबरी ऐसी कुछ भी आती है, तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे।